है तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में और खूबसूरत सी वादियों में। और इन खूबसूरत सी वादियों में आज लगा है भयंकर वाला कोहरा। और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, एक और नई दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ ना आयशा दीदी के साथ घूमने जा रही हूँ, तो आयशा दीदी आगे आगे चल रही है, दिखाती हूँ आपको। तो दीदी इतनी बारिश में यहाँ आई है रनिंग करने के लिए, अग्निवीर के फॉर्म भरे हैं दीदी ने और यहाँ सड़क में हम रनिंग करने के लिए आ रखे हैं। मजाक कर रही हूँ, जोक था ये। तो यहाँ पर देख फिलहाल कहीं जा रहे हैं, किसी काम से हमें कुछ, हाँ थोड़ा दीदी का पर्सनल काम है तो दीदी ने मुझे भी बोला अपने साथ आने के लिए, तो जा रहे हैं। और ये देखिए कोहरा कुजड़ू बोलते हैं, और ये देखिए चारों तरफ लगा हुआ है। और ये ना ये जो सड़क है ये यहीं ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर भी है और यहाँ से ऊपर जाने का ये रास्ता है, यहीं आगे एक बोर्ड लगा होगा। और ये जो दुकान है ना काफ़ी पुरानी है, ये देखिए कोहरा कोहरा कोहरा। और ऐसे कोहरे के मौसम में जा रहे हैं, बारिश बहुत हो रही है वैसे, फोन भी भीगने पर लगा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा। और आयशा दीदी चल रही है आगे आगे और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं आगे आगे चलते हैं। ये देखिए सुहाने से मौसम के साथ आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब मेरा कुछ काम है इधर, तो आंटी मेरे साथ आ रही है क्योंकि मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड नहीं है इधर, तो हाँ दीदी की फ्रेंड मैं ही हूँ, मैं की फ्रेंड मेरी फ्रेंड है। तो अभी हम लोग जाएंगे अपना काम करेंगे और आज बतानी जैसे मौसम पहले ठीक था, अभी आज सुबह बारिश था, रात को भी हो ही रही थी वैसे, और अभी एकदम तेज बारिश होनी स्टार्ट हो गई और हम बारिश में मजे करते करते हुए जाएंगे। हाँ क्योंकि जब रो रो के जाने से अच्छा है मजे कर करके चलना, काम भी बहुत बड़ा है। हाँ तो चलते हैं आगे आगे, हमारे जैसे काफी लोग चल ही रहे हैं ऐसी बारिश में भी। गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई। जब सड़कों में पानी होता है और हम सड़क पार करते हैं तो गाड़ियों का अचानक से आने में कैसा मोमेंट होता है दीदी, बता सकते हो? एकदम उस वाला मोमेंट होता है। और यहाँ किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया ना, लिटरली आपका पूरा दिन खराब। और यहाँ पर देखिए आंवले का पेड़ पास से नहीं दिखा पा रहे, हम लोग बहुत दिन से चाह रहे हैं ये पक जाए लेकिन ये पक नहीं दे, फिर हम निकालेंगे ने खाएंगे। और दीदी आप भीगिए मत क्योंकि देखिए हमारा उखी मट यहाँ से देखिए, ये हमारा उखी मठ उखी मठ उखी मठ उखी मठ उखी मठ। फिर चलते हैं आगे आगे, जो भी कुछ कैप्चर कर पाएंगे बता देंगे आपको। लोकेशन देखिए नीचे मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही होगी और ये आगे गुप्तगासी कोहरा लगा ही रखा है। और ये है चुकी आगे सामने है चुन्नी गांव, चुन्नी गांव। तो अभी दोस्तों हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं होटल में, होटल का नाम क्या है, सदान स्वीट शॉप। हाँ तो यहाँ पहुँच चुके हैं, ये देखिए समोसे खा रहे हैं। तो अभी हम समोसे खा लेते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं ना, घर चलते हैं तो हमारा काम भी हो चुका है। दीदी आपका काम हो चुका है ना? बिल्कुल। याद करेगा हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत की स्वतंत्रता के शहीद अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। तो अभी दोस्तों अभी हम घर आ गए, समोसा भी हमने खा ही दिया है। और क्या कर रहे, कहाँ कहाँ घूमे दीदी? आज बस हम घूमने ही गांव ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल। तो जो कि आयशा दीदी के साथ रहकर पॉसिबल हुआ, पर आपको दिखा नहीं पाया क्या, मतलब अपने एरिया में घूमे इसलिए कुछ दिखाया नहीं, जो कि आप हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते ही रहते होंगे। तो अभी अब हम घर जा रहे हैं और अपने गांव के रास्ते से होकर जा रहे हैं। आए हम
पहले हम चुन्नी उधर की साइड गए ना, फिर हम मार्केट गए गाड़ी में, और अभी हम पैदल घर आ रहे हैं। अब जाके हम घर में नाश्ता करेंगे। समोसा तो हमने खा लिया है, आपने भी नहीं किया था जी नाश्ता। तो अभी मैं आपको यहाँ के चारों ओर का मतलब अपना गांव दिखाती हूँ, ऊपर से हमारा मार्केट और ये रहा नीचे, ये हमारा स्कूल, ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय है यहाँ पे नीचे, जहाँ की मैंने भी पढ़ा है, और एक ऊपर भी है गर्ल्स स्कूल। और ये सामने डंगवाड़ी गांव दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है देखिए, और ये नीचे हमारा गांव दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, एक ही घर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं आगे आगे। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है शाम का टाइम हो गया, मतलब पाँच छः बज रहे हैं, और अब हम जाते हैं मंदिर में। वैसे तो सावन में हर एक दिन भजन कीर्तन हो रहा है, क्योंकि गांव वालों को मतलब हर साल ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ही नहीं, पहाड़ों में आपको हर गांव में दिखेगा आजकल भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सावन में हर एक दिन चल रहे हैं। तो मेरी तैयारी भी अब वहीं पर है, मैंने काफ़ी टाइम से आपको भजन वगैरह दिखाया भी नहीं है, मैं थोड़ा वहाँ पर जाऊँगी, दिखा दूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा कीर्तन वगैरह। तो अभी जा रहे हैं, पर उससे पहले अमरूद ताईजी लाई है, तो इसे कट करते हैं, इसे खाते हैं, फिर चलते हैं। तो सभी अमरूद भी खा लिया, और अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। हाँ अभी तभी दिल छू, मम्मी मम्मी से आप काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। इसे लेके जाएंगे हम, और मेरे साथ ताई जी भी हैं यहाँ पे, ये देखिए ये ताई जी हैं, यही अमृत लाई थी हमारे लिए। तो अभी हम सब जा रहे हैं मंदिर जाएंगे प्रसाद आरती के लिए, हमें लाई ला के आएंगे मंदिर में जाएंगे। तो आरती के लिए हम मंदिर में प्रसाद लेके आएंगे, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात, मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो चलते हैं हम, और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे फ्लैग्स है, कल जैसे कि 15 अगस्त है, और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी होगा। तो चलते हैं आगे आगे, यहाँ से आवाज़ आ रही होगी आपको, यहीं पे जाना है हमें, यहाँ मंदिर में आगे आ रही आवाज़, चलते हैं। और यहाँ से देखिए देवरेताल जो है 8 किलोमीटर, जुप्ता 27 और तुंगना 30 किलोमीटर है। आज कीर्तन जो अंदर हो रहा है, शायद बारिश के डर से गए होंगे अंदर। और ये देखिए भगवान जी है, माँ काली का, हमारी कुल देवी है हमारे, हाँ। और यहाँ पर देखिए आया है। और वैसे अब इस मंदिर में पहले लड़कियां जाती थी, मतलब पहले इससे नहीं जाती थी, इसलिए बीच में जाना स्टार्ट किया, और अब कहते हैं कि हाँ लड़कियां नहीं जा सकती हैं, मतलब बुजुर्ग लोग तो जा सकते हैं पर मना करते हैं लगभग, तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, और मतलब अंदर नहीं जाती, बस भारी से प्रणाम और ताला लगाए रहते हैं, मतलब अभी तो खैर और दिन खुला रहता है, अभी थोड़ी देर में खोल देंगे जब अंदर कुछ सामान रखना होगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन दिखा देती हूँ, फिर Oh,
आ रहे हैं केदार घूम के हमारे जा रहे हैं हम नीचे भैरवनाथ भगवान जी के दर्शन करने। ऊपर अभी भजन चल ही रहा है और नीचे भी थोड़ा देर चढ़ाने जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे आगे रास्ता दिखाते हैं उनका। हाँ यहाँ पीठा भी गिर जाएंगे, फिसलन बहुत है, मतलब उतनी भी नहीं है, पर फिर भी रास्ता ऐसा है, थोड़ा सा संभल के जाना होगा। तो यहाँ पर है भैरवनाथ का मंदिर, ये देखिए यहाँ पर भी अब दिया लगाएंगे। यहाँ पीछे भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर लिया और काफी ठंडी हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो अभी हम ऊपर चल देते हैं। दर्शन हो गया, तो मौसम काफी ठंडा है, अब पूरा पूरा फिर से आके साइड पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए साइड पूरा पूरा लगने बैठ गया है, साइड भी देखिए। और यहाँ ये हमारा जंगल है, मतलब घास काटने आती ही मैं भी आती थी यहाँ पे पहले छोटे में, यहाँ पे बहुत आई हुई हूँ। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना घास काटा ना, इतना घास काटा छोटे में, बहुत घास यहाँ तक नीचे तक जाती थी हमेशा। पता नहीं जैसे बड़े बड़े होते हैं काम भी ऐसे छूट ही जाते हैं, पहले बहुत शौक था मुझे ऐसे घास काटने का, और यहाँ पर तो मैं हमेशा आती थी, इतना घास काटा ना मैंने यहाँ पर से, मेरी दीदी और मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और ये ऊपर मंदिर है और वो भी नहीं आया अभी, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए करताल होता है, करताल ना, करताल बोलते हैं। ये है ढोलकी, इसका बोल रही हूँ, इसका बोल रही हूँ ढोलकी। अच्छा तो ये सारे अब दोस्तों यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, ये देखिए प्रसाद है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं, ये भी है खीर बतासे जो भी होते हैं, और ये ककड़ी है, और यहाँ पे प्रसाद है, ये केदारनाथ का प्रसाद है जो कि लाए हैं, केदारनाथ गए थे इनमें से कोई तो वो लाए हैं गांव की महिलाएं। और ये देखिए यहाँ पे सेब कटिंग हो रहे हैं और कुछ बांटते जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मम्मी तो बांटना शुरू भी कर दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखिए तो अभी दोस्तों जो है दर्शन भी हो गए हमारे, और बारिश भी तेज लग रही है, और पीछे देख सकते हो, और रात भी काफ़ी हो चुकी है, कैमरे क्वालिटी से तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वालिटी बहुत ही डाउन हो चुकी है। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेती हूँ, और आपने देख लिया होगा
और अब कल लास्ट तो हमारा है, फिर दो तीन दिन तक मतलब कल ही तक इनका भजन होगा। तो फिलहाल आज की ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करूँगी आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी जल्दी करने वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।